हेलो गाइस, आज मैं आपको बैट सीरीज का एपिसोड 9 का फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली। तो बिना देर करे शुरू करते आज के फर्स्ट पार्ट को। स्टार्टिंग में हमें दिखाते प्रैन और पैथ आपस में बात कर रहे थे, तभी वह प्रैन को ढूंढते हुए साउंड सिस्टम रूम में जाता है। उधर एक लड़का होता है, उसे पूछता है कि तुमने प्रैन को देखा है क्या। वो कहता है कि नहीं, तभी वो बोलता है मुझे बैकस्टेज से प्रैन की वॉइस आ रही है, तुम्हें वो सुननी चाहिए। तो वह उन दोनों की वो सारी बातें सुनता है। तो हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं, प्रैन और पैथ को उस दिन कार से जाते हुए वह ने देखा होता है। तो वह प्रैन से जो भी पुरानी बातें हुई थी उसे याद करता है। फ्लैशबैक खत्म होता है तो वह उनकी बातों को ऑन एयर करता है। तो बाकी सब भी उन दोनों की बातें सुनकर शॉक होते हैं। वाय को उनकी बातों से गुस्सा आता है और वो पर्दा गिरा देता है। तो उन दोनों को इस तरह क्लोज देखकर सब शॉक होते हैं। पैथ और प्रैन वाय को देखते हैं तो उसकी आंखों में गुस्सा भरा होता है। बाद में हमें दिखाते उनके प्ले का दिन आता है, उनका परफॉर्मेंस अच्छे तरह से होता है। तो टोटो सभी को शुक्रिया कहता है जो भी उनको सपोर्ट करने के लिए आए थे। तभी प्रैन वाय से बात करने की कोशिश करता है, पर वाय वहां से चला जाता है। तो प्रैन भी उसके पीछे चला जाता है। उन दोनों को जाते हुए पैथ देख लेता है। प्रैन वाय से माफी मांगता है तो वाय कहता है मुझे माफ करने की जरूरत है कि नहीं, पर मैं स्टूपिड हूँ। गलती करने वाला पर्सन होना अच्छा है, तुम माफी मांगो तो सब ठीक हो जाएगा, यही चाहिए ना तुम्हें। तो प्रैन कहता है मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं रियली तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ और मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता था। तो वाय कहता है पर तुमने वैसा ही किया। तो प्रैन कहता है तुम मुझसे क्या चाहते हो, कि मैं तुमसे ये कहता कि मैं उस इंसान को डेट कर रहा हूँ जिसे तुम सबसे ज्यादा हेट करते हो, क्या तुम उसे एक्सेप्ट करते। तो वाय कहता है वो बात की बातें थी कि मैं उसे एक्सेप्ट करता या नहीं, पर मैंने कभी ऐसा किया तो मैं तुम्हें बताता, तुम्हें पता है क्यों, क्योंकि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, पर तुमने इस बार मुझे ज़्यादा ही हर्ट किया है। और वहाँ से चला जाता है। तो प्रैन दुखी होता है। नेक्स्ट डे पैथ अपने फ्रेंड के साथ खाना खाने के लिए बैठने ही वाला था तो कॉर्न उस चेयर पर पैर रखता है और बोलता है यहाँ सिर्फ इंजीनियरिंग स्टूडेंट को बैठने का हक है, बाहर वालों को यह अलाउ नहीं है। तो दूसरा फ्रेंड कहता है मेरी तरफ मत देखो, मैं न्यूट्रल हूँ, मैं किसी की साइड नहीं लेता। तो पैर दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। तो उनका तीसरा फ्रेंड कहता है ये तुमने क्या किया, ये न्यूट्रल होने की बात नहीं थी, तुम उसे इग्नोर कर रहे हो। तो वो फ्रेंड कहता है तो फिर पैथ यहाँ पर था तभी क्यों नहीं तुमने ये बोला। तो वो फ्रेंड बोलता है मुझे नहीं लगता कि मेरे पास उतनी इन्फॉर्मेशन है, पर मैं दोनों पार्टीज की रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं एक अच्छा लड़का हूँ, इसलिए मुझे ये पता है। तो तुम दोनों मुझे ऐसे मत देखो। तो कॉर्न कहता है ओके। पैथ जा रहा था तभी वह कॉर्न खाना लेके आता है और बोलता है जो भी अभी हुआ उसके लिए सॉरी, मुझ पर सीनियर का प्रेशर था इसलिए उस फ्लो में मैंने वो सब किया। तो पैथ कहता है मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ, पर तुम लोग मुझे अवॉइड क्यों कर रहे थे जब मैं फैकल्टी में आया। तो कौन कहता है अवॉइड, वो सब जल्दी भूल जाएंगे, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें शाम को मिलता हूँ। तो पैथ कहता है क्या रग्बी प्रैक्टिस है शाम को, तो मैं तुम सबको अनकम्फर्टेबल फील नहीं कराना चाहता। तो कौन कहता है अनकम्फर्टेबल, जो तुम अभी जिससे बात कर रहे हो ना वो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, लोग तुम्हारी पर्सनल लाइफ इस मैटर में नहीं लाएंगे, तो मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। और वो चला जाता है। पैथ अकेला ही स्नैक्स खा रहा था तभी वह प्रैन टी लेकर आता है। तो पैथ उसे देखकर स्माइल करता है और पूछता है तुम्हारे फैकल्टी में कैसा चल रहा है। तो प्रैन कहता है बुरा चल रहा है, पर मैं बेट लगाता हूँ, तुम्हारे साइड तो इससे भी बुरा चल रहा होगा। तो पैथ स्माइल करता है और कहता है वैसे तुम्हारी बात हो गई क्या। तो प्रैन कहता है कि नहीं। तो पैथ कहता है वो एक छोटा बच्चा है, क्या मैं तुम्हारी तरफ से उसे बात करूँ क्या। तो प्रैन कहता है फर्स्ट तुम्हारी प्रॉब्लम ठीक करो, तुम इवन टेबल पर लंच भी नहीं कर सकते। तो पैथ कहता है एवरी टाइम मैं वाई के बारे में कहता हूँ तुम टॉपिक क्यों चेंज करते हो, क्या तुम दोनों में कुछ चल रहा है क्या। तो प्रैन कहता है तुम पहले खाना खाओ। तो पैथ कहता है तुमने फिर टॉपिक चेंज किया। वह नाराज होकर टी पीने लगता है। तो प्रैन कहता है तुम्हें लास्ट बाइट चाहिए क्या, ये सिर्फ पैथ के लिए है, मैं बाकी किसी से शेयर नहीं करूँगा। तो पैथ उसे खाता है और उसे थैंक्स कहता है। तो प्रैन कहता है क्या तुम हैप्पी हो। तो पैथ कहता है हाँ। पैथ कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं स्टेटस पोस्ट करूँ, हम दोनों में ब्रेकअप हुआ है, मैं कह दूंगा तुमने मुझे डंप किया तो वाई तुमसे बात करेगा क्या। तो प्रैन कहता है तुम रिडिकुलस मत बनो। तो पैथ कहता है मैं रियली कह रहा हूँ, क्या मैं वो करूँ,
मैं कह दूंगा कि मेरे अकेले का ही हार्ट ब्रोकन हुआ है, तो पैट उसे स्माइल करके दिखाता है, तो प्रैन उसका हाथ पकड़ता है, तो पैट देखने लगता है, तो प्रैन हाथ छोड़ता है, पैट नीचे बेंच पर हाथ रखता है, तो प्रैन उसके हाथ पर अपना हाथ रखता है, तो पैट टी पीता है और बोलता है आइस टी ज्यादा ही स्वीट। तो प्रैन कहता है लेकिन मैंने तो लेस स्वीट ऑर्डर की थी, और दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते। नेक्स्ट डे सब रग्बी की प्रैक्टिस कर रहे थे, उनके कोच उन इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि नेक्स्ट वीक उनकी मैच है और उनकी सामने वाली टीम डिफेंस में स्ट्रांग है, तो हम आज डिफेंस पर फोकस करेंगे, तो तुम दो टीम में डिवाइड हो जाओ। वाई और पैथ एक टीम में होते है। प्रैक्टिस में हर बार पैथ ही बॉल लेता है, बाद में उन एक दूसरे को बॉल पास करना होता है, तो वाई पैथ को बॉल पास नहीं करता तो पैथ नाराज होता है। बाद में कॉर्न पैथ के पास आता है और उसे प्रैन के नाम से चिढ़ा रहा होता है, तो वाय उनकी बातें सुनता है। कॉर्न पैथ को ज्यादा ही टीज करने लगता है, वो कहता है कि तुम्हारा भी तुम्हारी राह देख रहा है, तो पैथ प्रैन के पास आता है और उसे कहता है कि मैं ज्यादा ही थक गया हूँ, क्या मुझे भी इनहेलर मिल सकता है, तो प्रैन उसे इनहेलर देता है, तो पैथ कहता है तुम्हारे हाथों से करो, तो प्रैन उसे इनहेलर यूज करने में हेल्प करता है, तो पैट उसका हाथ पकड़कर किस करने लगता है, तो पैट के फ्रेंड उसे चिढ़ाते हैं। उन दोनों को ऐसे देखकर वाई गुस्सा होकर बोतल वही फेंककर चला जाता है, तो प्रैन सैड होता है, तो पैट उसे मनाने की कोशिश करता है। ओके गाइज, यहाँ हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।